पहले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र ज़िंदगी के। हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले ज़िंदगी से जीना सीख ले। ज़िंदगी ने मुझे एक चीज़ सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। जितना हम लोग दूसरे से उम्मीद लगाते हैं उतना ही हम लोग का दिल टूटता है, इसलिए उम्मीद लगाने से अच्छा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम माई चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का 10 बजे से बात का बना रही हूँ। अब मेरे बेटे चले गए हैं ड्यूटी, ऑफिस, तो मैं खाना बनाई थी रोटी और सब्जी, तो उनको ये दे दी हूँ। और ये रात का जो बच गया था चावल, तो उसको मैं फ्राई कर ले रही। तो फ्राई करने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा सरसों और चना दाल डाल दी हूँ। चना दाल का फ़ौरन सरसों और ये मटर डाल के थोड़ा सा फ्राई करके, और बस मैं चावल डालूँगी और ग्रीन चिली भी डाली हूँ। और मटर छिटक के बाहर ना जाए इसलिए मैं इसे ढकती हूँ, ढककर पकाऊंगी। और चावल हो या कोई भी रात के बचे हुए खाना हो तो उसे फेंके ना, इस तरह से ही बना के खा लें। इससे अनाज बर्बाद भी नहीं होते हैं, और फेंक देने से अनाज बर्बाद होते हैं। और फेंकने से अच्छा किसी गरीब को खिला दें या फिर किसी जानवर को खिला दें। अगर आप इस अनाज को फेंकते हैं तो बर्बाद होते हैं, अगर आप कच्चे अनाज को ज़मीन पर फेंकते हैं तो ये और भी बढ़ कर के मिलते हैं, वो बड़े बड़े पेड़ पौधे बन जाते हैं। मगर अगर आप ये पके हुए अनाज को फेंकते हैं तो ये बर्बाद हो जाते हैं। हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो खाने एक एक दाने के लिए तरसते। अनाज अन्नपूर्णा देवी होती है जो कलपती है। खाना कम से कम उतना ही बनाएं जो फेंक ना सकें, और बने तो उसे और इस तरह से बना के खा लें। और रोटी बासी हो तो उसे कभी ना फेंके, उसे सेक कर खा लें, क्योंकि बासी रोटी खाने से आपके सेहत और अच्छे तंदुरुस्त होते हैं। शुगर के पेशेंट को ना बासी रोटी खाना चाहिए, इससे उसके शुगर लेवल ठीक रहते हैं। और अब देखिए शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं जा रही थी नीचे सामान वगैरह लाने, दूध वगैरह लाने, तो इस बिल्ली को देखे, ये हमारे एक मोहल्ले में रहती है और हमारे ही अपार्टमेंट में ज़्यादातर रहती है, हम लोग के दरवाज़ा पर आती रहती है, तो जो दूध वगैरह हम लोग पिलाते रहते हैं। तो ये देखी, इसे सायरन की आवाज़ सुनाई दी तो ये बहुत तेज़ी से दौड़ कर निकल पड़ी सायरन के पीछे पीछे। और ये देखिए, यह हमारे अपार्टमेंट के नीचे ग्राउंड फ्लोर का व्यू है, तो यहाँ अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और शाम के टाइम में लाइटिंग हो रहे हैं। तो ऑफिस थे और मैं ये यहाँ पर देखिए मार्केट से ले आई हूँ, दूध लाने गई थी। और ये है फ्रूट, मिक्स फ्रूट, तो ये मिक्स फ्रूट यहीं पर बिकता है तो हम लोग ले आते हैं अक्सर, और अच्छा होता है, सेहत के लिए भी सही है, तो ले आते हैं पीते हैं। और ये है बंद, इसमें क्रीम वाले बंद हैं, तो आज हम लोग यही शाम के टाइम नाश्ता करेंगे। तो मैं पी रही हूँ अभी वही फ्रूट, मिक्स फ्रूट, और अभी हमारे बेटे आए हुए नहीं हैं, तो मैं शाम का दिया बत्ती करने के बाद यहीं पर नाश्ता करूँगी। तो ये पी ले रही हूँ फ्रूट और वही बंद खाऊँगी, उसके बाद मैं घर का काम स्टार्ट करूँगी। और अब देखिए मेरे बेटे आ चुके हैं, देखिए इधर चप्पल फेंके जा रही हैं, अब मैं सब समेटूंगी। आज तो बड़ा काम कर रहे हैं भाई, हेलमेट रख दिए जहाँ पर रहे हैं तहाँ पर, और बैग भी रखेंगे आज क्योंकि आज बन रहे हैं वीडियो तो इंसानियत दिखाए जा रहे हैं पर बैग। और अब वो यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर ले रहा है, नाश्ता करने के बाद उसका जो काम होगा वो करेंगे। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन फ्राई बनाऊँगी। तो फ्राई बैंगन के लिए इस तरह चिप्स की तरह मैं कटिंग कर ले रही हूँ सभी बैंगन को, और उसके बाद मैं सभी बैंगन को पानी में डाल के अच्छी तरह से धुल दूँगी। और फ्रेंड पूरा वीडियो में बने रहिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा मैंने आगे आगे क्या क्या काम किया है। और पूरा वीडियो वॉच करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। लाइक कमेंट करना भूल जाते, कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा पार्ट ठीक नहीं लगा, क्या कमी है, सब बताएं, तभी तो मैं
वीडियो को और भी अच्छा बना पाऊँगी और आगे बढ़ पाऊँगी आप लोग के सपोर्ट से। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और जो भी नए फ्रेंड आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, लाइक सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन में थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह से कर दी हूँ। और यहाँ पर मैंने दाल बना लिया, दाल में मैंने आलू बॉईल कर ली थी, तो आलू के चोखे और बैंगन के फ्राई बैंगन बनाऊँगी। और उस सब को बनाने से पहले मैं यहाँ पर दाल को छौंक लेती हूँ। तो दाल छौंकने के लिए मैंने सबको इसी तरफ छौंकते होंगे, मैं सिंपल तरह से ही छौंक देती हूँ। थोड़ा सा सूखी मिर्च है, लहसुन और जीरा इसे करके, और मैं बस इसे दाल में रख दूँगी। और इसी कढ़ाई में मैं तेल और डाल लूँगी और पापड़ को भूंज लूँगी बस। और फ्रेंड, इंसान जितना काम करे उतना शरीर खुला रहता है और फुर्ती में रहता है, और उसे बीमारी भी जल्दी नहीं छूती है। कहते हैं बुजुर्ग हो गए हैं अब काम नहीं कर पाएंगे, तो जितना हो सके आप चले फिरें, घूमें, और जितना हो सके आप अपने शरीर से हल्का फुल्का काम लेते रहें। इससे क्या होता है, शरीर खुला रहता है और ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, जिससे बीमारी भी कम होती है और वो निरोग रहते हैं और ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। और अब यहाँ पर देखिए हमारे पापड़ भुंज गए, तो मैं बैंगन तल ले रही हूँ और मैंने चोखा भी बना लिया है। दाल चावल सब बन गए, तो मेरा डिनर यही है। तो बस फ्रेंड, यहीं पर वीडियो को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हम लोग खाना बनने के बाद खा के सो जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।